शान्तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशगोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तु ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्तविंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णभीष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का स्वागत है आज की इस कक्षा में। तो हम कोर्स कर रहे हैं कृष्ण प्रेम की सीढ़ी और आज हमारा अंतिम सत्र है, लास्ट क्लास है आज की। इसके अंतर्गत हमने चतुश्लोकी भगवद्गीता का अध्ययन किया। तो आठवें श्लोक में हमने जाना किस प्रकार आकर्षित करते हैं भगवान हमको अपने बारे में बताकर, और हमें आकर्षित होना है, सभी कारणों के कारण है भगवान। और दूसरे श्लोक में हमने जाना कि किस प्रकार जो भगवान हैं, भगवान कृष्ण क्या करने के लिए हम कहते हैं कि उनके जो शुद्ध भक्त हैं वो क्या करते हैं, मच्छिता मद्गता प्राणा बोधयंता परस्परम, वो हमेशा भगवान का चिंतन करते हैं और आपस में भगवान कृष्ण की कथाओं का बोधयंत परस्परम, आपस में जब भी मिलते हैं क्या करते हैं, कृष्ण कथा करते हैं। और फिर कल की क्लास में हमने जाना कि तेसाम सतयुक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम, और जो व्यक्ति प्रीतिपूर्वक भजन करता है, वर्शिप करता है निरंतर कॉन्स्टेंटली, भगवान क्या करते हैं, मैं बुद्धि देता हूँ उसको जिससे कि वो मुझ तक आ सकता है। तो जिस प्रकार चतुश्लोकी भगवद्गीता का संबंध, अविधेय और प्रयोजन, तो पहले श्लोक में भगवान ने संबंध बताया, दूसरे श्लोक में अविधेय, और तीसरे और चौथे में प्रयोजन कि क्या हमारा गोल है, क्या हमारा लक्ष्य है, उसके बारे में भगवान बता रहे हैं। और दूसरा हमने जाना था कि पहले दो श्लोकों में, आठवें और नौवें श्लोक में, भक्त क्या करते हैं भगवान के लिए वो बताया हमने, और फिर दसवें और ग्यारहवें श्लोक में कृष्ण क्या करते हैं, किस प्रकार आदान प्रदान करते हैं भक्तों के साथ, उसके बारे में बताया। तो पिछली बार, पिछली क्लास में डिस्कस किया भगवान क्या कर रहे हैं, भक्त क्या कर रहे हैं, पहले चिंतन करते रहते हैं, है ना, निरंतर रूप से भगवान का, भगवान को सभी कारणों कारण मानते हैं, उनको सरेंडर करते हैं। और दूसरे तीसरे चौथे श्लोक में भगवान क्या करते हैं, मैं बुद्धि देता हूँ जिससे वो मुझ तक आ सकते हैं। और आज की क्लास में जो ग्यारहवें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं सारी जो भी अज्ञान है उसको दूर कर देता हूँ, जितना भी इग्नोरेंस है, अज्ञान है, है ना, बुद्धि नहीं है, मैं सब उसको, जो भी प्रॉब्लम्स हैं जीवन में, मैं सबको हटा देता हूँ, वो आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं। जितनी भी डार्कनेस है, जितने भी ऑब्स्टक्स हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी भगवान के द्वारा हटा दी जाती है हमारे जीवन से। जो भक्ति में बाधाएं हैं, एक तरह से ये कह सकते हैं, वो भगवान कृष्ण सारी बाधाओं को हटा देते हैं। तो ये जो श्लोक है वो इस प्रकार है, ये दसवें अध्याय का ग्यारहवां श्लोक है। तेसामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नासायाम्यात्म आवस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। तेसामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नासायाम्यात्म आवस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। तेसामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नासायाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता।
तो इसका अनुवाद इस प्रकार है, मैं उन पर विशेष कृपा करने हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए किनके भक्तों के, है ना, भगवान कह रहे हैं भक्तों के बारे में, क्योंकि पिछले श्लोक में चर्चा आ रही है कि तेसाम, है ना, जो भजते हैं मैं उन्हें बुद्धि देता हूँ, और फिर अगले श्लोक में उसका कंटिन्यूशन में ही है, तो उन पर विशेष कृपा करने के लिए मैं क्या करता हूँ, उनके हृदय में वास करता हूँ और क्या करता हूँ, ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा जितना भी अज्ञान जन्य अंधकार है उसको मैं, भगवान कह रहे हैं, दूर कर देता हूँ, तो जितनी भी उनके अंदर कमियां हैं मैं उनको पूरा कर देता हूँ। तो भगवान विशेष रूप से कृपा करते हैं, कृपा करते हैं भक्तों पर, क्या करते हैं, अज्ञानतमः, ये शब्द आया है अज्ञानजम, अज्ञानजम मतलब जो अज्ञानता है, है ना, उससे प्रकट हो, अज्ञानता प्रकट होती है, है ना, किससे प्रकट होती है, तमह, है ना, डार्कनेस, अंधकार से। तो ये जो अज्ञानता प्रकट हो रही है डार्कनेस से, डार्कनेस क्या है, कंफ्यूजन है, अंधकार मतलब कंफ्यूजन, बिविल्डरमेंट जो भक्तों के मन में या व्यक्तियों के मन में आता है, भ्रमित हो जाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, कंफ्यूज रहते हैं, तो इसको कहते हैं डार्कनेस, अंधकार, जो क्या प्रकट करती है, किसके कारण प्रकट होती है, अज्ञानता के कारण, हमारे अंदर अज्ञानता है इसलिए हमारे जीवन में ये सारे बिविल्डरमेंट आता है। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं, कृष्ण पर्सनली, है ना, स्वयं जिम्मेदारी लेते हैं इस अज्ञानता को मिटाने के लिए, इस अज्ञानता को मिटाने के लिए क्या है, स्वयं जिम्मेदारी दे रहे हैं, ना से याम्यत भावस्तो, स्वयं जिम्मेदारी ले रहे हैं कि इस अज्ञानता को मिटाना है। किस प्रकार मिटाते हैं भगवान इस अज्ञानता को, है ना, जिस प्रकार कमरे में अंधेरा है, जिस प्रकार कमरे में अंधेरा होता है तो हम क्या करते हैं, दीप जलाते हैं, उस लाइट जलाते हैं, जिससे क्या होता है, अंधेरा खत्म हो जाता है। तो सिमिलरली उसी प्रकार भगवान अंधकार को डिस्ट्रॉय करते हैं, अज्ञानता को डिस्ट्रॉय करते हैं जब कृष्ण क्या करते हैं, ज्ञान का दीपक जलाते हैं, हमारे हृदय में जाकर भगवान क्या करते हैं, पर्सनली स्वयं जाकर क्या करते हैं, ज्ञान का दीपक जलाते हैं। जिस प्रकार ज्ञान को कंपैरिजन किया गया है किससे, दीपक से, और अज्ञान को किससे कंपेयर किया गया है, अंधकार से, तो उस अज्ञानता को भगवान हृदय में वास करते हुए ज्ञान का दीपक जलाकर क्या करते हैं, अज्ञानता को दूर कर देते हैं। तो अज्ञानता को अगर एक शब्द में हम परिभाषित करें तो अज्ञानता का मतलब है जो भी वस्तु, जो भी चीज हमें कृष्ण से दूर लेके जाती है उसको हम अज्ञानता कह सकते हैं, उसको हम अंधेरा कह सकते हैं। जहां कृष्ण नहीं है वो सब अज्ञान है, जो ज्ञान हमको भगवान तक नहीं पहुंचाता वो सब अविद्या है। विद्या क्या है, जो भगवान कृष्ण से संबंधित है, जो कृष्ण तक पहुंचाती है, है ना, भगवान भगवद्गीता में अविद्या की चीजें बताते हैं, सब अविद्या है, है ना, जो हम जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वो सब अविद्या है, पढ़ाई कर रहे हैं, अविद्या है, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन जो भी कृष्ण से दूर है, कृष्ण से संबंधित नहीं है ज्ञान, जितना भी हम कोर्स कर रहे हैं, सारे कोर्स क्या है, ये सब अविद्या में, ये सब ज्ञान, ये सब अविद्या है। विद्या केवल क्या है, जो कृष्ण के पास लेकर जाती है वही विद्या है, ऐसा भगवद गीता में बताया गया है। तो अज्ञान मीन्स जो भी हमें कृष्ण से दूर लेके जाता है चीज, उसको हम अज्ञान कह सकते हैं। तो जब अंधेरा होता है तो हम क्या करते हैं, हम भ्रमित हो जाते हैं, है ना, और भ्रमित हो जाते हैं तो क्या करना चाहते हैं, दुनिया को तुरंत हम रोशन करना चाहते हैं कि जल्दी से ये अंधेरा गायब हो जाए, लेकिन हम अपनी आंतरिक दुनिया के बारे में नहीं सोचते। हमारे अंदर भी एक दुनिया है, मन है हमारा, हमारी आंतरिक दुनिया अंधकारमय है और बाध्यकारी अंधेरे से ढकी हुई है, वो बद्धता है, छूटता ही नहीं अंधेरा, लेकिन बाहर हम प्रकाश करना चाह रहे हैं, लेकिन अंदर क्या है, अंधकार है। बंधन का अर्थ होता है कि उस अंधेरे से, जो अंधकार है हमारे हृदय में, अज्ञान है, उससे क्या होता है, कोई बुरी इच्छा तुरंत प्रकट हो जाती है, सामने आ जाती है, और कभी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस सामने आते हैं, कुछ डाउट्स सामने आते हैं, और ये सारी चीजें हमें क्या करती हैं, परेशान करती हैं, हमें पीड़ा देती हैं, ये हमें खत्म कर देता है,
और अंततः ये सारी चीजें हमें क्या है, हरा देती हैं। इसलिए हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, हम नहीं जानते कि हमारे मन में क्या क्या है। तो ये सब क्या है, अंधकार बद्ध अवस्था में, हमारा हृदय अंधकार में ही है और अंधकार के कारण सारी चीजें इस तरह हो रही हैं और हम हमेशा प्रॉब्लम्स में, समस्याओं में पड़े रहते हैं, है ना। जब हमारे मन में कुछ इमोशंस, भावनाएं आती हैं और हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते उनको कि वो हमारे शत्रु हैं, और जो भी हमारे अंदर आ रहा है वो शत्रु के रूप में कार्य कर रहा है, लेकिन हम क्या सोचते हैं, ओ ये जो हमारे इमोशन है, ये जो भावनाएं हैं आ रही हैं, मुझे क्या है करना चाहिए, आई मस्ट एक्ट ऑन इट, है ना, मुझे इस पर कार्य करना चाहिए, है ना। और हम ये नहीं सोचते कि अंदर एक आत्मा है, लेकिन हम मन की बात को मान लेते हैं जो क्या है, दूषित है। सो मच कंटेमिनेशन, उसके अंदर क्या है, दूषण है, कंटेमिनेशन है, और इसीलिए जो भी बाहर आता है वो मन के द्वारा आता है, हम सोचते हैं मेरे द्वारा आ रहा है। तो इसीलिए इस अज्ञानता के बस हम बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। इस अज्ञानता से, जैसे मैंने बताया, हमें ज्ञान ही नहीं होता, और अज्ञानता के बस हमें क्या लगता है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो हम सही कर रहे हैं, हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं, ये सबसे बड़ी अज्ञानता है हमारी। क्या कि हमें हमें लगता है कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूं वो क्या है, बेस्ट है, सबसे अच्छा है। कई सारे ऐसे फिलोसफर्स हैं, फिलोसफी ऐसे देते हैं क्या कि कुछ नहीं करना, जस्ट सोचो जो अच्छा लगे वो करो मन को, है ना। ये बिल्कुल थर्ड क्लास फिलोसफी है ना, कि जो मन में आ रहा है वो करो, बिल्कुल हम अपने पैर पे अपने आप कुल्हाड़ी मार रहे हैं, हम अंधकार की ओर ही जा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि नहीं, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो शांतिपूर्वक बैठो, थोड़ा सोचो और जो मन में आए वो करो। सो कहना बहुत आसान है, लेकिन हमें मन की बात कभी नहीं माननी है। क्यों नहीं माननी है? क्योंकि मन हमारा अभी शत्रु है, मन हमारा कंटेमिनेटेड है, दूषित है अभी। तो जो कुछ भी ये रिजल्ट देगा, जो कुछ भी आउटपुट देगा, जो कुछ भी कंक्लूजन देगा, निष्कर्ष देगा, वो सब गलत होगा। क्यों? क्योंकि कंटेमिनेटेड है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति अज्ञान में है ना, और उसको उस फील्ड की नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है। अगर हम उससे पूछते हैं कोई चीज, तो वो क्या निर्णय जो देगा, हमें गाइडेंस देगा, सुझाव देगा, तो क्या वो सही होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो दूषित है। या फिर आप किसी अपराधी के पास जाते हो और उससे कुछ गाइडेंस लेते हो आप, तो वो जो गाइडेंस होगी वो क्या होगी, वो सही नहीं होगी, क्योंकि वो खुद ही दूषित है, वो आपको क्या गाइड करेगा। तो हमारा मन जो अभी निर्णय ले रहा है वो दूषित अवस्था में ले रहा है, कंटेमिनेटेड है, काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर अनर्थों से भरा हुआ है, दूषित अवस्था में। तो इसीलिए क्या है, ये सही निर्णय नहीं ले पाता है। तो क्या करना है हमको, हमें अगर हम इस अज्ञानता से दूर होना चाहते हैं तो कोई एक्स्ट्रा चीज करने की आवश्यकता नहीं है, है ना। क्या करना है, सिंपली प्रैक्टिस डिवोशनल सर्विस, हमें भक्ति की शुरुआत करनी है। और रूप गोस्वामी बताते हैं कि भक्ति की शुरुआत कैसे होती है, गुरु पद आदो श्रय, है ना, आदो गुरु पद आश्रय, कि किसी गुरु को चुनना सबसे पहले भक्ति का जो पहला अंग है, जहां से भक्ति की शुरुआत होती है, कि किसी व्यक्ति को चुनना कि इसकी मैं गाइडेंस लूंगा, इससे पूछकर मैं सारे कार्य करूंगा, तो वहां से शुरुआत होती है, एक्चुअली, है ना। तो भगवद गीता में बताया गया, तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया, है ना, कि प्रणिपाते न परिप्रश्ने सेवया, सेवा करनी है, गुरु के पास जाना है और विनम्र भाव से उनसे जिज्ञासा करनी है, प्रश्ने न, प्रश्न पूछने हैं। क्या प्रश्न पूछने हैं गुरु के पास जाकर, कि महाराज मेरी फैक्ट्री नहीं चल रही है, कैसे फैक्ट्री में चला सकता हूं, या मेरे जीवन में धन की कमी है, ये प्रश्न पूछने हैं? नहीं, ये सब प्रश्न नहीं पूछने, ये सब क्या है, अविद्या है ना, जैसे मैंने पहले बताया आपको। तो पूछना क्या है, कि मेरे लिए बेस्ट क्या है ना,
मैं क्या करूं, मेरा जीवन यहां पर क्यों आया है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, है ना। जब सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं पहली बार, तो वो साक्षात भगवान है चैतन्य महाप्रभु। सनातन गोस्वामी इतने उच्च कोटि के भक्त है ना, सड़ गोस्वामी से एक है। लेकिन सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से क्या प्रश्न पूछते हैं, चैतन्य महाप्रभु के आमी, बंगाली में बोलते हैं के आमी, मतलब मैं कौन हूं, है ना। मुझे जो बाहर वाले लोग हैं, कोई कहता है आप ये राजमंत्री हो, इतने उच्च पद पर हो, आप इतने अमीर हो, आप ये हो, आप वो हो, लेकिन ये सब तो मुझे कह रहे हैं, लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि मैं कौन हूं, तो आप बताओ मैं कौन हूं, के आमी। तो इतने बड़े राजा महाराजा, इतना इतना ऑपुलेंस उनके पास, राजा उन प्रधानमंत्री थे वो, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु से क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, गुरु के रूप में उनसे क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, के आमी। उनसे ये नहीं पूछ रहे महाप्रभु कि मेरा जॉब में मन नहीं लग रहा, क्या करूं, जॉब में कैसे अच्छी कर सकता हूं, ये नहीं पूछा। क्या, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा क्या कर्तव्य है, क्या करना है, तो ये प्रश्न हमें जाकर पूछने चाहिए। मेरे जीवन में समस्याएं क्यों आ रही हैं, मैं इन समस्याओं से बाहर कैसे जा सकता हूं, शाश्वत आनंद को मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूं, तो ये हमारी जिज्ञासा होनी चाहिए। और भगवान कहते हैं कि वो तत्वदर्शी, वो क्या है, सेल्फ रियलाइज्ड है, वो आत्म साक्षात्कार उसने प्राप्त कर लिया, तो वो आपको बता सकता है, इसलिए आप उसके पास जाओ और प्रश्न पूछो। जो खुद ही अंधकार है वो क्या प्रकाश देगा, है ना। जिसके पास ज्ञान है ही नहीं उसके पास जाओ आप, है ना, कि ये मेरे जीवन में समस्या है ना। आजकल ये फैशन है, हम किसको फॉलो करते हैं, जो हमारे आइडियल्स कौन है, जो खुद ही अंधकार में, और उनसे हम ज्ञान की उम्मीद रख रहे हैं, है ना। जिसने कभी आध्यात्मिकता को अपनाया नहीं, आध्यात्मिकता की ABCD नहीं पता, लेकिन हम प्रश्न उनसे पूछते हैं जाकर कि ये समस्या हमारे जीवन में क्या करें, है ना, तो वो तो खुद ही अंधकार में जा रहा है, तो आपको भी कहाँ लेकर जाएगा, अंधकार में नहीं लेकर जाएगा। तो जिसके पास प्रकाश है वही आपको प्रकाश दे सकता है, जिसके पास नहीं है वो प्रकाश नहीं दे सकता। जो रियलाइज नहीं है, जिसके पास रियलाइजेशन साक्षात्कार नहीं है, वो आपको ज्ञान नहीं दे सकता। एक कहानी भक्ति सिद्धांत महाराज सुनाते हैं कि एक गांव में एक व्यक्ति रहता था और उसके परिवार था गांव में, तो वो जो व्यक्ति है पर गांव को छोड़कर कुछ दिनों के लिए बाहर जाता है, और जब बाहर जाता है और बाहर से जब लौट रहा होता है, तो जैसे ही गांव में एंटर करता है तो एक गांव का व्यक्ति उसको मिलता है और उनको बोलता है कि आपके जो पिताजी हैं उनकी मृत्यु हो गई है। तो ऐसे ही लाहा चलते व्यक्ति ने बोला कि आपके पिताजी की मृत्यु हो गई है। फिर और गांव में आगे जाके बढ़ता है तो उनके बहुत और रिलेटिव्स मिलते हैं, तो उनको बोलते हैं कि आपके पिताजी की मृत्यु हो गई है। लेकिन जब वो घर पर पहुंचता है तो उसके जो मदर है, माँ है, वो बोलती है कि आपके पापा की मृत्यु हो गई है ना। तो तीनों बातों में डिफरेंस है ना। तो सबसे ज्यादा कन्विक्शन, सबसे ज्यादा श्रद्धा किनके शब्दों में है, माता के, है ना, कि माता ने बोला तो उसमें ज्यादा श्रद्धा है। किसी अनजान व्यक्ति ने बोला तो उसने हाँ सोचा, हाँ ठीक है, हो सकता है, लेकिन पूरा फेथ नहीं था, लेकिन पूरी श्रद्धा कहाँ से आई, माता से। तो जो जितना रियलाइज्ड व्यक्ति है उससे जब हम सुनते हैं तो हमें उनकी बातों में पूरी श्रद्धा होती है, समझ पा रहे हो आप। तो अगर ऐसे व्यक्ति से किसी सुन लेंगे तो हमें क्या है, फेथ नहीं आएगा, हम उसमें विश्वास नहीं करेंगे। तो इसीलिए कैसे व्यक्ति के पास जाना है, जो व्यक्ति सेल्फ रियलाइज्ड है, जो आत्मदर्शी है, जिसने तत्व आत्म तत्व की जिज्ञासा कर ली है, जो आत्माराम है, तो ऐसे व्यक्ति के पास जाकर हमें इंक्वायरी करनी। तो ऐसे व्यक्ति से पूछेंगे तो अलग ही हमें अनुभव होगा, क्योंकि उसने खुद साक्षात्कार किया भगवान का, तो हमें भी साक्षात्कार करा सकता है। तो ये जो भगवान बता रहे हैं कि मैं ददामि बुद्धि योगम, तो मैं बुद्धि देता हूं, तो भगवान तो अंदर से बोलते हैं परमात्मा में, लेकिन हमें सुनाई नहीं देता। वो तो कब सुनाई देगा, जब हम निष्ठा के स्तर पर जाएंगे, है ना, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया,
अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो निष्ठा के स्तर पर जब सारे अनर्थ चले जाएंगे हमारे हृदय से, तब हमें अंदर से भगवान की आवाज सुनाई देगी। तब तक क्या करें? तब तक किसकी आवाज सुनाई सुननी है हमको? गुरु की आवाज सुननी है। भगवान तो इंस्पायर करेंगे, भगवान तो बोल रहे हैं, लेकिन हम सुन नहीं रहे। क्यों? क्योंकि हमारा हृदय पूरा अनर्थों से भरा पड़ा है, भगवान की आवाज ढक जाती है। लेकिन जब पूरी तरह से अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी, तब भगवान की आवाज हमें सुनाई देगी, क्या सही है क्या गलत है। लेकिन तब तक, अभी तो हम उस अवस्था में है नहीं। हमारी अवस्था अभी तो श्रद्धा, साधु संग कुछ कर रहे हैं हम, भजन क्रिया चल रही है हमारी, और थोड़े जो छोटे मोटे अनर्थ हैं वो हमारे जीवन से धीरे धीरे जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी हम अनर्थ निवृत्ति के स्तर पर हैं, और ये स्तर पर कितने रहेंगे, साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 1 जन्म, 10 जन्म, कुछ नहीं पता। हमारी सीरियसनेस पर डिपेंड करता है। तो तब तक हमें अंदर से भगवान की आवाज नहीं सुनाई देगी, क्या सही है क्या गलत है। तब तक क्या करना है हमें? ऐसे गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति करनी है, उनसे पूछना है क्या सही है क्या गलत है, तब तो हम आगे बढ़ पाएंगे, है ना। प्रेमा भक्ति यहाँ हिते अविद्या विनाश जाते, जिस प्रकार हम गुरु पूजा गाते हैं रोज, कि जब हम भक्ति करेंगे तो क्या होगा, जितने भी अविद्या है उसका विनाश हमारे हृदय से अपने आप हो जाएगा। तो सबसे बड़ी अज्ञानता है हमारे जीवन में, हम अपने आप को क्या मानते हैं, हम शरीर हैं। ये सबसे बड़ी अज्ञानता है, और सारी अज्ञानता इससे ही जुड़ी हुई है। शुरुआत यहीं से होती है कि हम अपने आप को शरीर मानते हैं। तो जिस प्रकार अभी कोरोना आया था कुछ सालों पहले, तो जब तक हम स्वस्थ हैं प्रचार करते हैं, क्या प्रचार करते हैं, मैं शरीर हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो हम प्रचार करते हैं। लेकिन जब बीमार हुआ तो एहसास हुआ कि मैं शरीर में हूं, मतलब शरीर का भी ध्यान रखना, जब बीमार होते हैं तब तो पता पड़ता है, वैसे तो हम प्रचार करते हैं। तो इसीलिए सबसे बड़ी अज्ञानता क्या है, कि अपने आप को शरीर मानना है। और ज्ञान क्या है, अपने आप को शरीर से अलग मानना, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मुझे किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए भगवान के द्वारा दिया गया है। और इसी अज्ञानता के कारण, क्योंकि हम अपने आप को शरीर मानते हैं, इसी अज्ञानता के कारण हम इस भौतिक संसार में फंसे हुए हैं, मैं और मेरा। जिस प्रकार भगवद गीता की शुरुआत होती है इसी से, धृतराष्ट्र कि जो सिद्धांत है, धृतराष्ट्र की जो चेतना है, वो इसी में फंसी हुई है अभी तक, मैं और मेरा में। क्या श्लोक है वो? धृतराष्ट्र वाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुस्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम् अकुर्वत् संजय। मामकाः मतलब मेरे पुत्रों ने क्या किया। अल्टीमेटली वो राजा है ना, और पांडु वहां पर है नहीं, तो वो भी पिताजी हैं उनके, पांडवों के भी फादर हैं, वो कौरवों के भी फादर हैं, धृतराष्ट्र। लेकिन धृतराष्ट्र पहले श्लोक में क्या मानसिकता बताने अपनी, कि पांडु के पुत्रों ने क्या किया और मेरे पुत्रों ने क्या किया। तो हम सोच सकते हैं, ये मैं और मेरा की जो मेंटेलिटी है, हम देख सकते हैं कि उनका क्या दुर्दशा होती है धृतराष्ट्र की अंत में। तो भगवदगीता की शुरुआत ही यहां से होती है, मैं और मेरा, और इसी चीजों में हम फंसे हुए हैं, मैं और मेरा। ये मैं हूं, ये मेरी वस्तु है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा घर है, ये मेरी जॉब है, ये मेरी सीट है, ये मेरी पोजीशन है। तो हम क्यों, हम एक तो अपने आप को मानना है मैं शरीर हूं, मैं वो हम रॉन्ग है, और दूसरी गलती हम क्या करते हैं कि इससे संबंधित जो चीजें हैं उनको अपना मानते हैं। क्योंकि जो भी भौतिक संसार में हम पद पोजीशन, जो भी रिलेटिव्स हैं, सब कुछ है, वो इस भौतिक देह के आधार पर ही है। तो अपने आप को शरीर मानना है, और इस शरीर से संबंधित वस्तुओं को, व्यक्तियों को भी अपना मानना है। तो यही अज्ञानता है, और इसी के कारण इस भौतिक संसार में हम फंसे हुए हैं। क्योंकि हम चाहते हैं, हमारी आसक्ति है इस संसार से, भौतिक वस्तुओं से, व्यक्तियों से, हमें लगता है कि ये मेरे हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है, आपके ये लोग हैं तो इनके साथ रहो यहाँ पे। और जिस दिन हमें रियलाइज होगा कि हाँ ये मेरे नहीं है, भगवान मेरे हैं, तो भगवान कहेंगे हाँ अब आपने जाना, अब मैं बताता हूँ विधि कैसे मुझ तक आ सकते। तो इस भौतिक संसार में फंसे रहने का कारण क्या है? मैं और मेरा। एक्चुअली कि इस सिद्धांत से, इस गलत चेतना से हमें बाहर निकलना है।
है ना। ये जो संसार है द्वंद से बना हुआ है, द्वंद मोहे निर्मुक्ता इच्छा द्वेष न समुक्त है ना, है ना। द्वंद से बना हुआ संसार है, हमारी इच्छा और द्वेष इससे ये संसार क्रिएट हुआ है। हमारी इच्छा है और द्वेष है, द्वेष भगवान से है, इच्छा भोग करने की है ना। लोग गीता का सार बताते हैं, क्या बताते हैं, क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो, है ना, आपका क्या है, जो मन में आए वो करो, कल किसने देखा है, जो आपके मन में आ रहा है वो करो, तो क्यों ना चिंता करें हम, है ना। हम चिंता क्यों ना करें, हम चिंता करते हैं ना कल की, जब स्कूल में छोटे बच्चे जाते हैं तो कल की चिंता कर रहे हैं, नहीं कर रहे, फ्यूचर की चिंता कर रहे हैं, तो हर चीज की चिंता कर रहे हैं, तो गलत गलत सिद्धांत गीता के नाम पर बनाए जाते हैं। लेकिन सार क्या है भगवद्गीता का, वो नहीं है क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, तो सार क्या है, कृष्ण ही सार है। भगवान गीता में कहते हैं, हे अर्जुन वेदों में जानने योग्य मैं ही हूं। वेदों का भी सार क्या है, भगवद्गीता, गीता का सार क्या है, कृष्ण को जानना, तो सार क्या है, कृष्ण है। सो भगवान क्या करते हैं, हमारे इस अज्ञान को दूर करते हैं, जो ये सब चेतना है हमारे अंदर में, भगवान स्वयं जिम्मेदारी ले रहे हैं, स्वयं भगवान व्यक्ति है, कोई निराकार नहीं है भगवान, जैसे हमारा रूप है ऐसे ही भगवान का रूप है, भगवान एक व्यक्ति है और स्वयं आकर हमारी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, जिस प्रकार भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि मैं हृदय में निवास करता हूं, हृदय में वास करता हूं मैं आपके, और मैं खुद क्लीन करता हूं, तो भगवान व्यक्ति है, कोई निराकार ब्रह्म नहीं है, एक तू ही निराकार, बाकी सबका आकार है ना, सबको भगवान ने आकार दे दिया और अपने आप को आकार देना भूल गए भगवान, याद नहीं रहा, है ना। तो निराकार से आकार नहीं बन सकता, है ना, निराकार के पीछे आकार होता है, जैसे मान लो कि प्रकाश है, प्रकाश का कोई आकार नहीं है, है ना, लेकिन प्रकाश का जो सोर्स है उसका आकार है, ट्यूबलाइट है, दीपक है, बल्ब है, सूर्य है, चंद्रमा है, तो जिनसे चीजों से प्रकाश आ रहा है उनका आकार है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आकार का सोर्स निराकार हो जाएगा, नहीं, हो ही नहीं सकता, निराकार का सोर्स आकार होता है हमेशा, निराकार का सोर्स निराकार भी नहीं हो सकता, निराकार का सोर्स आकार ही रहेगा, तो हमारा आकार है तो हमारा सोर्स आकार ही हो सकता है, निराकार हो ही नहीं सकता। सो भगवान एक व्यक्ति है, ये भगवद गीता ये इसका सार है, ये सिद्धांत को प्रस्तुत करती है। कुछ लोग क्या है, कभी कभी हम लोग भावनाओं में रहकर कुछ भक्ति शुरुआत कर देते हैं, माला शुरू कर देते हैं, लेकिन हमें पता नहीं भगवान कौन है, जो भी कुछ कहता है कि हाँ भगवान कृष्ण ऐसे ही हैं। एक बार ऐसे ही एक कहानी है कि बिल गेट्स एक बार एक गांव में गया और उसने देखा कि एक महिला बेचारी मूंगफली बेच रही है ना, उसको देखकर दया आ गई उस पर, तो उसने बोला कि जो मांगना है मांगो, मैं आपको दूंगा, आपकी सारी इच्छा पूरी करूंगा। तो इस महिला ने क्या मांगा कि मेरी ना इस नुक्कड़ में पान की दुकान खुलवा दो, एक वो दे दो मुझे। तो क्यों क्यों, क्योंकि उस महिला को नहीं पता कि बिल गेट्स कौन है, वो क्या दे सकता है, है ना, तो उसको बस ये चाहिए क्योंकि उसके बारे में जानकारी नहीं है। उसी प्रकार हमें भगवान के बारे में जानकारी है ही नहीं कि भगवान कौन है, भगवान क्या दे सकते हैं, तो इसलिए जब तक भगवान को नहीं जानेंगे हम अल्टीमेट लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकते। तो जब पता ही नहीं है कि वो क्या दे सकता है, कौन व्यक्ति है, जब तक पता नहीं होगा तो उस हिसाब से हम नहीं मांगेंगे ना, उससे किस अपने हिसाब से मांगेंगे, लेकिन वो क्या दे सकता है। जिस प्रकार एक बार एक ओल्ड लेडी थी, बूढ़ी स्त्री थी, और वो जंगल से जा रही थी, जंगल में उसने लकड़ियों का बहुत बड़ा गट्ठा बना रखा था और उसको उठाने का प्रयास कर रही थी, सर पर रखने का, उठा नहीं पा रही थी, तो वहां पर भगवान आ गए। तो लेडी बहुत खुश हुई कि आप कौन हो, कि मैं भगवान हूँ, आपकी हेल्प करने के लिए आया हूँ। तो भगवान ने बोला क्या क्या हेल्प चाहिए आपको, जो कुछ भी आप मांगो मैं दे सकता हूँ, कुछ भी सहायता कर सकता हूँ आपकी। तो बूढ़ी स्त्री कहती है कि ये जो गट्ठर है ना, इसको मेरे सिर पर रखवा दो, बड़ी देर से परेशान हूँ मैं।
तो भगवान ने रख दिया, भगवान चले गए। तो अब ओल्ड लेडी को नहीं पता कि भगवान कौन है, भगवान क्या दे सकते हैं, भगवान हमें इस संसार की सारी समस्याओं से बाहर निकाल सकते हैं तुरंत कृपा करके। लेकिन क्या मांगा उन्होंने, गट्ठर रखवा दो मेरे, बस मेरी यही आवश्यकता है, मेरी और कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए तो हमें नहीं पता कि भगवान क्या दे सकते हैं। सो इसीलिए जो बेसिक नॉलेज है भगवान के बारे में जानना जरूर है ना, पढ़ना आवश्यक है। कम से कम अपने पूरे जीवन में, ज्यादा नहीं पढ़ सकती तो भगवत गीता को कम से कम 10-15 बार पढ़ना है, इतना तो कम से कम करना ही है। अगर इतना हम नहीं कर सकते तो हमारी भक्ति नहीं होगी फिर, क्योंकि बिना जाने किसी व्यक्ति से आप कैसे प्रेम कर सकते हो। भक्ति मतलब प्रेम करना, भक्ति मतलब प्रेम करना भगवान से। तो सोचो बिना जाने आप कब तक प्रेम करोगे, कर सकते हो, नहीं कर सकते। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। जितना आप जानोगे उस व्यक्ति के बारे में, उतना हम उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ होंगे, उतना हमारे हृदय में उस व्यक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा, जितना हम उस व्यक्ति के बारे में जानेंगे। तो बिना जाने हमारी भक्ति की शुरुआत हो सकती है, लेकिन लाइफ लॉन्ग नहीं चल सकती। तो इसीलिए कम से कम बेसिक नॉलेज हमें भगवान के बारे में पता होना चाहिए। नहीं तो कई बार कई हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए, भगवान हमारे सामने आए और भगवान बोले क्या चाहिए, भगवान बस 2 BHK दिला दो, बस और कुछ नहीं चाहिए जीवन में, है ना। तो भगवान भी हंसेंगे हमारे ऊपर, है ना। तो हमें पता ही नहीं भगवान क्या दे सकते हैं, लिमिट है हमारी, है ना। क्योंकि भगवान की लिमिट है और हमारी सोचने की लिमिट है। वो लिमिट कब क्रॉस करेंगे, लिमिट हमारी कब बढ़ेगी, जब हमें भगवान के बारे में ज्ञान होगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, इस अंधकार को दूर करना है, अंधकार को दूर करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले भक्ति की शुरुआत करनी पड़ेगी। जिस प्रकार 9वें श्लोक 8वें श्लोक हमने जाना था, अहम सर्वस्य प्रभवो, भगवान के बारे में जानना पड़ेगा। ये कैसे होगा, ऐसे नहीं होगा भगवद गीता को बस पढ़ लिया, एक बार पढ़ लिया, एक बार से कुछ नहीं होगा। कम से कम उसको 10 बार पढ़ना है, पढ़ना नहीं है अध्ययन करना है उसका, तब कुछ पल्ले पड़ेगा, तब कुछ याद आएगा हमको। तो तब जब इस प्रकार हम भक्ति करेंगे, तब भगवान क्या करेंगे, सारी जो भी अंधकार है हमारे जीवन में उसको रिमूव कर देंगे, उसको हटा देंगे। ज्ञान के दीपक से हमारे हृदय में वास करते हैं भगवान, ज्ञान के दीपक से जितना भी अंधकार है उसको भगवान हटा देंगे। और फिर हमें समझ में आएगा कि ये जो भौतिक इच्छाएं हैं वो मेरे लिए अच्छी नहीं है, है ना। और मैं इनको कोई भाव नहीं दूंगा, है ना। मैं क्या करूंगा, मैं आध्यात्मिक इच्छा को कल्टीवेट करूंगा, तो हमारे मन में ये भाव आएगा। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि कई बार जो फिलोसफर्स हैं वो भक्तों को क्रिटिसाइज करते हैं। क्या क्रिटिसाइज करते हैं, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि चैतन्य महाप्रभु क्रिटिसाइज किए गए किसके द्वारा, प्रकाशानंद सरस्वती के द्वारा, कि क्या भावुक व्यक्ति हो ये, क्या हरे कृष्ण मंत्र करते रहते हो, नाचते गाते रहते हो, ये क्या भाव भावना है। अरे आप सन्यासी, आपको क्या करना चाहिए, वेदाध्ययन करना चाहिए, वेदों का पाठ करना चाहिए। तो उसी प्रकार कई लोग बाहर सोचते हैं कि ये जो भक्त है ना, ये कम बुद्धिमान है, इनके अंदर बुद्धि नहीं है, इनका संसार में कुछ नहीं हुआ तो इन्होंने क्या कर लिया, इस्कॉन जाके ज्वाइन कर लिया। जब ये संसार में कुछ कामयाब नहीं हो पाए, कुछ कर नहीं पाए, तो इस्कॉन में चले गए। ये सब बेकारा निकम्मे निठल्ले हैं, ये कुछ करना नहीं चाहते। तो ऐसा बाहर वालों की धारणा ऐसी रहती है कि इनके अंदर बुद्धि नहीं है, ये सब क्या इमोशनल है, इमोशनल है, इंटेलिजेंट नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है। बहुत सारे भक्त हम देखते हैं जो हमारे आचार्य हैं, जीव गोस्वामी हैं, रामानुजाचार्य हैं, माधवाचार्य हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना, इतने बुद्धिमान व्यक्ति थे। जीव गोस्वामी, उनकी पुस्तकें आज भी कई सारी यूनिवर्सिटीज में क्या है, शोध करते हैं, एक एक श्लोक पर पूरा जीवन निकल जाता है एक श्लोक को चर्चा करने में जीव गोस्वामी के द्वारा। इस प्रकार के उन्होंने लाखों श्लोक लिखे हैं जीव गोस्वामी ने। तो ऐसे बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आचार्य हैं जो इतने बुद्धिमान हैं। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भक्त जो होता है वो बुद्धिमान है, जो हरे कृष्ण मंत्र का जप करा वही बुद्धिमान है। जय ही कृष्ण भजे से बड़ा चतुर,
कि जो कृष्ण का भजन कर रहा है, जो कृष्ण का कीर्तन कर रहा है, हरे कृष्ण मंत्र की माला कर रहा है, वो सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है, सबसे बड़ा भक्त है। और ऐसे बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं वो भक्ति के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, बहुत सारे फिलोसफर हैं। तो हो सकता है कभी कभी भक्त जो है अपने व्यवहार के कारण या बैकग्राउंड के कारण इतना बुद्धिमान कई बार नहीं हो सकता है कि वो शास्त्रों को समझ पाए, लेकिन फिर भी अगर वो सिंसियरली डिवोशनल सर्विस का पालन करता है, सिंसियरली भक्ति करता है, तो कृष्ण हेल्प करते हैं हृदय से उसको चीजों को समझने में। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो क्वालिफिकेशन क्या है, योग्यता क्या है, कि हमें भक्ति करनी है पूरी भावना से, तो फिर भगवान बुद्धि देंगे हमको, तो फिर हम शास्त्रों को भी समझ सकते हैं। ऑल्दो अगर हम अनएजुकेटेड हैं, अनपढ़ हैं, तो भी हमारे अंदर शास्त्रों का ज्ञान जो है प्रकट हो सकता है, अगर हम सिंसियरली भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तो हमारे हृदय में सारा ज्ञान प्रकट हो जाएगा। हमारे हृदय में क्या होगा, सारा ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाएगा। जिस प्रकार यहां पर कृष्ण उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार अंधेरा दीपक जलता है, क्या होता है, अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है, तो उसी प्रकार कृष्ण जब आएंगे हमारे हृदय में, सारी डार्कनेस चली जाएगी, अपने आप क्या आएगा, ज्ञान आ जाएगा। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यः सूर्यः। भगवान ने क्या किया है, ब्रह्मा के हृदय में सारा ज्ञान ट्रांसफर कर दिया। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है ना। जो श्री प्रभुपाद जी हैं, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, उनके गुरु थे भक्ति सिद्धांत महाराज, और उनके गुरु थे गौर किशोर दास बाबू जी महाराज। उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, अनपढ़ थे, लेकिन फिर भी उनको सारे वेदों का ज्ञान था, कहीं से कुछ भी पूछ लो, सारे वेदों का ज्ञान था। हो सकता है कि हम बुद्धिमान ना हो या भौतिक रूप से एजुकेशन हमने पढ़ना लिखना नहीं जाना हो, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से अगर हम भगवान की भक्ति सीरियसली कर रहे हैं, पूरे हृदय से कर रहे हैं, तो हमारे हृदय में सारा ज्ञान स्वतः ही प्रकट हो जाएगा। भक्तों के हृदय में भगवान स्वयं ज्ञान के रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन जो बद्ध आत्माएं हैं उनका हृदय कैसा रहता है ना, वो गंदगी से कवर्ड है, दूषित अवस्था में है। किसके कारण, कई करोड़ों जन्मों से भौतिक चीजों में लिप्त अवस्था के कारण जो हृदय है वो क्या है, मन जो है वो कवर्ड है गंदगी से। और वो कैसे दूर हो सकता है, हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने से। हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने से क्या होगा, चेतो दर्पण मार्जनम, जितनी भी गंदगी है, हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन करने वाला क्या है, चित्त का मार्जन करने वाला है, चेतो दर्पण मार्जनम। तो हमारा चित्त क्या है, बहुत दूषित है, लेकिन जब हरे कृष्ण मंत्र करते हैं तो क्या होता है, वो साफ हो जाता है। कैसे साफ होता है, जब हरे कृष्ण मंत्र करते हैं तो भगवान स्वयं हमारे हृदय में आकर हरे नाम के रूप में क्या करते हैं, क्लीनिंग करते हैं हमारे हृदय की, स्वयं आते हैं, किसी को भेजते नहीं है भगवान कि स्वीपर लगा लिए, भगवान ने अपॉइंट कर रखा है स्वीपर को हृदय को साफ करने के लिए, है ना, इस कॉलोनी के हृदय को ये व्यक्ति साफ करेगा, दूसरे कॉलोनी के हृदय को ये व्यक्ति साफ करेगा, नहीं, भगवान क्या करते हैं, भगवान स्वयं परमात्मा रूप में हमारे हृदय की सफाई करते हैं। कोई मेंटल स्पेकुलेशन आर्गूमेंट से हम इस हृदय की सफाई नहीं हो सकती, कितना भी ज्ञान अर्जित कर लें हम, है ना, स्पेकुलेट करते रहें, आर्गूमेंट्स करते रहें फिलोसफी पर, तो उससे हमारा ज्ञान शुद्ध नहीं होने वाला। ज्ञान किससे शुद्ध होगा, हमारा भक्ति से, जब हम हरे कृष्ण मंत्र का चैंटिंग करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो हमारा जो हृदय है वो शुद्ध होगा एक्चुअली। लेकिन जो हमारी भौतिक जिम्मेदारियां हैं या भौतिक जरूरतें हैं उनका क्या, वो कैसे पूरी होंगी, तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि जब अंधकार चला जाएगा हमारे जीवन से, है ना, तो भगवान प्रसन्न होंगे उससे, और हर चीज अपने आप भगवान के द्वारा हमें प्रोवाइड की जाएगी। अगर हम इस अवस्था में पहुंच गए तो, अगर नहीं पहुंचे हैं तो ऐसा ट्राई नहीं करना है, अगर हम इस अवस्था में पहुंच गए हैं
सारा अंधकार चला गया है, तो फिर भगवान सारी नेसेसिटीज हमारी जिम्मेदारी ले लेंगे। लेकिन अभी हमारा अंधकार दूर नहीं हुआ है, अभी हम अज्ञानता में हैं, अभी हमारा हृदय दूषित है, इसीलिए हमें जॉब करनी पड़ रही है, इसलिए सब कुछ करना पड़ रहा है। लेकिन एक बार अगर हम पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएंगे भक्ति करते हुए, पूरे डिपेंड हैं कृष्ण पर, तो फिर कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि भक्तों के पास जो भी है उसको मैं सुरक्षा प्रदान करता हूँ, और जिन जिन चीज़ों की उसकी कमी है मैं पूरी करता हूँ। तो जब हमारी श्रद्धा उस लेवल की हो जाएगी तब भगवान पूरी करेंगे, अभी नहीं है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ रहा है, भौतिक चीज़ें भी करनी पड़ रही हैं। तो ये भगवान की कृपा है शुद्ध भक्तों के लिए। तो जो भगवान है, जो परम सत्य है, वो इतने महान हैं कि उनको सिंपली अपने प्रयासों से हम नहीं समझ सकते। केवल किससे समझ सकते हैं, केवल भक्तिमय सेवा से, केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान को हम समझा जा सकते हैं। ओनली फॉर डिवोशनल सर्विस, केवल डिवोशनल सर्विस के द्वारा ही हम भगवान को समझ सकते हैं। तो जिस प्रकार हम भगवत गीता में हमने डिस्कस भी किया था कि भगवान को जानना इतना आसान नहीं है, हम अपने प्रयासों से भगवान को कभी नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि हमारा सोर्स भगवान है। तो कोई व्यक्ति अपने सोर्स के बारे में पूरा ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वो तो बाद में आया और सोर्स पहले से है, तो असंभव है ज्ञान प्राप्त करना। लेकिन अगर भगवान कृपा करेंगे, भगवान कृपा कब करेंगे, जब हम उनकी कृपा को आकर्षित करेंगे, हम उनसे कृपा की याचना करेंगे, ऐसे कार्य करेंगे कि भगवान सोचेंगे हाँ इसको मेरी कृपा की आवश्यकता है, तो फिर भगवान कृपा करेंगे, और भगवान की कृपा से हम फिर भगवान को अच्छी तरह से जान सकते हैं। तो भगवान अपने आप को रिवील करेंगे कि हाँ मैं ये हूं, तब फिर हम भगवान को जान पाएंगे, अन्यथा हमारे लिए भगवान को जानना क्या है, असंभव है। जब भगवान हमारे हृदय में कृपा करेंगे किस फॉर्म में, ज्ञान का दीपक जलाकर, अंधकार हो रखा है हमारे जीवन में, तो ज्ञान का दीपक जलाएंगे भगवान, तो फिर हम भगवान को सही तरह से समझ पाएंगे। तो ये भगवान की विशेष कृपा है हमारे ऊपर। जैसे भगवान कह रहे हैं कि मैं जब मुझे कृपा करनी होती है तो मैं क्या करता हूँ, भक्तों के अंदर हृदय में वास करता हूँ और ज्ञान का दीपक जलाता हूँ। तो तब जाकर हमारी जितने भी अज्ञानता है, मैं और मेरा की सिद्धांत है, चेतना है हमारी, तो फिर हम उस अवस्था में आ पाएंगे। लेकिन उससे पहले, 11वें श्लोक से पहले 10वां श्लोक हमें फॉलो करना है। क्या है, तेषां सतयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्, कि तब ये काम होगा। डायरेक्ट 11 में जंप नहीं लगाना है ना, पहले 10वां श्लोक है, उससे पहले 9वां है, उससे पहले 8वां है। तो एक स्टेयर्स केस हम पढ़ रहे हैं ना, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करनी है हमको। तो पहले 8वां श्लोक करना है, फिर 9वां करना है, फिर 10वां करना है, फिर 11 में पहुंचना है, फिर 11 भगवान तब ज्ञान को दूर करेंगे। तो लास्ट स्टेज है ये, पहली स्टेज नहीं है, ये कौन सी स्टेज है, लास्ट स्टेज है। तब जाकर भगवान कृपा करेंगे और हमारे हृदय में ज्ञान प्रकट होगा, मतलब अपने आप को रिवील करेंगे भगवान, अपनी आइडेंटिटी को रिवील करेंगे। अभी कवर्ड कर रखा है, हमारे दूषित चेतना है, हमारा हृदय क्या है, कलमस भरे पड़े हैं बहुत सारे। ऐसा बताया गया है कि हमारा हृदय इतना दूषित है, इतना काला है, कि अगर कोई ऐसा दर्पण होता कि अपने हृदय को देख पाते हम, तो कैसा दिखाई देगा, बिल्कुल काला, कोयले के जैसा हमारा हृदय काला है। लेकिन अगर हम, तो जो कोयले को, कोयले में से कालापन दूर करना संभव है, कोयले में से कालापन दूर करना संभव है, नहीं संभव है, उसमें से कालापन हम नहीं मिटा सकते, खुद काले हो जाएंगे उसको कालापन मिटाते मिटाते, तो वो संभव नहीं है। लेकिन हरे कृष्ण मंत्र के माध्यम से इस कोयले रूपी काले हृदय को साफ करना संभव है, इससे जब हम भक्ति करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो भगवान कृपावश क्या करते हैं, ज्ञान से हमें इस अंधकार से बाहर निकाल देते हैं। तो ये इस श्लोक में भगवान ये कहना चाह रहे हैं। तो कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, कुछ शिक्षाएं कि किस प्रकार इस श्लोक को अपने जीवन में उतारें, हम क्या करें कि
कि जिससे भगवान की कृपा हो। तो पहले तो जैसे मैंने बताया आठवां नौवां दसवां श्लोक होगा, तब जाकर हमें यहाँ पहुँचना है। तो पहले आठवें नौवें दसवें श्लोक में जो चीज़ें बताई थी, पहले उन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना है। और इसको भी उतारने के लिए हमें अपने जीवन में हम क्या कर सकते हैं कि हमें समझना चाहिए कि जो हमारा ज्ञान है और जो बुद्धि है अभी वर्तमान अवस्था में इम्प्योर है, दूषित है वो। तो अपने आप को कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं मानना हमको अभी, है ना। अभी जो हमारी वर्तमान परिस्थिति है तो हमें क्या मानना है, अपने आप को मूर्ख मानना है कि मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूं, मेरी बुद्धि क्या है वो दूषित है। तो ये समझना है सबसे पहले तो हमें, क्योंकि हम यही समझ पाने में दिक्कत है सबसे। हमें लगता है कि सबसे बुद्धिमान मैं ही हूं, है ना। कई बार हम गुरु के पास जाते हैं या ऐसे व्यक्तियों के पास जाते हैं कुछ जिज्ञासा करने के लिए, लेकिन क्या एक चैलेंजिंग भाव में पूछते हैं। हमें लगता है कि मुझे इसका आंसर पता है, अब मैं इससे पूछता हूं ये क्या आंसर देगा, है ना, फिर उसके मजे लेंगे हम। तो इस भावना से जाते हैं, है ना। तो जब तक हम उस भावना से नहीं जाएंगे, मुझे नहीं पता है उस चीज के बारे में, तो हमें वो ज्ञान नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले अप्लाई करना है कि मुझे कुछ नहीं पता, मेरी जो ज्ञान है जो बुद्धि है वो शून्य है, शून्य से भी नीचे है ना। शून्य का मतलब बुद्धि है ही नहीं। अभी हमारी बुद्धि दूषित है, मतलब नेगेटिव में हमारी बुद्धि अभी। शून्य होता तो समझे में अच्छा रहता, अभी हमारी बुद्धि जो है नेगेटिव में, मतलब दूषित है, गलत निर्णय लेती है। बुद्धि शून्य होती है मतलब कोई निर्णय नहीं लेती, लेकिन गलत निर्णय लेने मतलब क्या, नेगेटिव में बुद्धि हमारी। अब उसको पहले शून्य पर लाना है, फिर पॉजिटिव में लेके जाना है। तो ये समझना है पहले हमको कि जो हमारे पास ज्ञान है, जो बुद्धि है, इसलिए वो इम्प्योर है। तो इसी वजह से जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ अपने मन के द्वारा, अपने बुद्धि के द्वारा, वो डिसीजन भी बिल्कुल इनकरेक्ट है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इसीलिए जब भी हम कोई डिसीजन लें तो हम गाइडेंस लें किसी व्यक्ति से, या फिर हम भगवान से प्रार्थना करें कि मैं ये कार्य करने जा रहा हूं, मुझे सही गाइडेंस मिले। भगवान से प्रार्थना करें, तो भगवान से हम हृदय से प्रार्थना करेंगे निश्चित रूप से, तो भगवान कोई ऐसे व्यक्ति को भेजेंगे हमारे जीवन में जो हमारी हेल्प करेगा सही गाइडेंस लेने के लिए। और इसके साथ साथ ऐसा नहीं है भगवान से प्रार्थना कर ली बस हो गया, है ना, कोई आया नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, मुझे बोला गया था भगवान से प्रार्थना करनी है, मैंने कर ली, अब मैं अपने मन की कर सकता हूँ। तो ऐसा नहीं करना है। इसके साथ साथ भगवान से प्रार्थना तो करनी करनी है, इसके साथ साथ क्या करना है हमको, जो डिसीजन हम ले रहे हैं उसको देखना है कि वो क्या गुरु साधु शास्त्र से मैच करता है या नहीं करता है। जो मैं करने जा रहा हूं, जो मेरे मन में विचार आया है कार्य करने के लिए, तो पहले तो भगवान से प्रार्थना करनी है कि मुझे सही दिशा निर्देश दें, सही गाइडेंस दें। उसके साथ साथ क्या करना है, गुरु साधु शास्त्र, ये क्या होता है, ये GSS सिस्टम है। एक है GPS सिस्टम, ये क्या है, GSS सिस्टम। तो गुरु मतलब गुरु से पूछना है जिसके अंडर में भक्ति कर रहे हैं कि मैंने ये डिसीजन लिया है क्या ये सही है, क्या ये डिसीजन मुझे भगवान की भक्ति में आगे बढ़ाएगा या पीछे लेकर जाएगा, उनसे कंफर्म करना है। और फिर दूसरा, दूसरे साधुओं से जो अन्य साधु हैं, सो उनसे ही पूछ सकते हैं कि क्या ये वो जो कर रहे हैं या जो मैं कर रहा हूं क्या उनसे मैच कर रहा है, क्या मैं कुछ अलग तो नहीं कर रहा हूं। और तीसरा, शास्त्रों से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, क्या शास्त्रों में जो मैं कार्य कर रहा हूं, जो मेरे मन में विचार आ रहा है, क्या शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया गया है इस चीज का कि ऐसा करना चाहिए, या कोई मेरे मनोकल्प विचार तो नहीं है, ये मेरी मन की कल्पना तो नहीं है। तो इस GSS सिस्टम से हर चीज को गुजारना है ना। ऐसे होता है ना कि जब हम एयरपोर्ट्स पे जाते हैं या रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो चेकिंग होती है, जो हमारे पास लगेज है उसको एक सिस्टम से गुजारा जाता है, वो स्कैन करता है, अगर कुछ ऐसा सामान उसमें होता है तो वो तुरंत रोक देते हैं आपको, आप चेक कराइए बैग अपना, और अगर कुछ नहीं है तो बिल्कुल क्लीन चला जाता है उस, तो उस सिस्टम से उस सामान को गुजारा जाता है। तो उसी प्रकार हमें भी क्या करना है, जो भी हम निर्णय ले रहे हैं, जो भी हम कार्य करने जा रहे हैं, तो उसको GSS सिस्टम से निकालना है पहले, GSS, गुरु साधु शास्त्र। तो अगर तीनों से पास हो गया तो क्लियर है, उस निर्णय को हम स्वीकार कर सकते हैं, अपने जीवन में उतार सकते हैं। और अगर कुछ गड़बड़ है तो क्या है,
घंटी बजाएगी टिंग टोंग, तो फिर रुक जाना है और फिर उस कार्य को हमको नहीं करना है। तो इस जो भी हम डिसीजन लें इस सिस्टम से गुजार कर लें। और इसके अलावा जो डेली प्रतिदिन हमें भगवान को जानने का प्रयास करना है, भगवान को जानना नहीं है, जानने का प्रयास करना है। हम जान नहीं सकते भगवान को, लेकिन क्या करना है, जानने का प्रयास करना है। एक बार प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि शास्त्रों का अध्ययन क्यों करना है। प्रभुपाद ने बोला भगवान को जानने के लिए। और फिर प्रभुपाद ने नेक्स्ट मिनट बोला कि शास्त्रों को पढ़ने के बाद आप इस निष्कर्ष पर पहुंचोगे कि भगवान को कोई नहीं जान सकता। समझे, शास्त्रों को क्यों पढ़ना है, भगवान को जानने के लिए। और शास्त्रों को पढ़ने के बाद क्या पता पड़ेगा हमको कि भगवान को हम नहीं जान सकते, तो फिर भी पढ़ना है हम शास्त्र को इस निष्कर्ष पर जानने के लिए कि भगवान को हम नहीं जान सकते। हमें शास्त्रों को क्यों पढ़ना है, भगवान को जानने के लिए, लेकिन भगवान को नहीं जान सकते, ये हमें रियलाइज होगा शास्त्रों को पढ़ने के बाद। तो एक है रीडिंग, एक है स्टडिंग, एक है पढ़ना, एक है अध्ययन करना। तो दोनों में फर्क है। रीडिंग क्या है, बस कर रहे हैं, मन कहीं और है हमारा, बस हमें एक फॉर्मेलिटी करनी है, आज 30 पेज का टारगेट मैंने लिया है, 30 पेज मुझे पढ़ने हैं आज, तो पढ़ लिया। और अगले ही 5 मिनट बाद आपसे पूछा जाए कि आपने क्या पढ़ा, तो हम हमारे सामने निराकार सा छा जाता है, अंधकार सा, एक शब्द भी सामने नहीं आता, कि एक शब्द भी हमें याद नहीं रहता कि हमने क्या पढ़ा है, क्योंकि हमने अध्ययन नहीं किया उसका, हमने केवल रीडिंग किया, पढ़ा है उसको। ये 5 मिनट बाद की बात बता रहा हूं। जैसे कई बार हम लोग 1-1 घंटे क्लास सुनते हैं और क्लास का पूछा जाता है कि क्या अच्छा लगा आपको, कुछ सब पूछ सब कुछ अच्छा था जो आपने बताया, सब कुछ अच्छा था, कोई एक पॉइंट नहीं, सब कुछ अच्छा था, तो हमें कुछ याद नहीं रहता। तो इसीलिए हमें जब रीडिंग करें तो हमें ध्यान पूर्वक अध्ययन करना चाहिए, स्टडी करनी चाहिए उसको, एक एक लाइन को 10-10 बार पढ़ना चाहिए, एक एक पैराग्राफ को फिर से रिपीट करना चाहिए, फिर से रिपीट करना चाहिए। एक श्लोक पढ़ा आपने, दोबारा पढ़ा, फिर पढ़ा, फिर पढ़ा, फिर पढ़ा, फिर पढ़ा, 10 बार एक श्लोक को पढ़ा, तब दूसरे श्लोक पर जाना चाहिए, फिर तीसरे श्लोक पर 10 बार, फिर चौथे श्लोक को 10 बार, फिर पूरा अध्याय पढ़ लिया, क्या कनेक्शन है आपस में, ये सब जानना चाहिए, तब कुछ समझ में आएगा। इसको कहते हैं स्टडी, अध्ययन करना। पहले खोजना, फिर समझना उस चीज को, और फिर अपने जीवन में अप्लाई करना। ये सिस्टम है अध्ययन करने का। स्टडी करने का मतलब क्या है, पहले खोजना कि कहाँ क्या लिखा मेरे मतलब का, फिर उसको समझना, नहीं समझ पा रहे दूसरों से हेल्प लेना, और फिर अपने जीवन में अप्लाई करना। इसको बोलते हैं अध्ययन। और रीडिंग को क्या बोलते हैं, टक 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 टक, हो गया आज का, कल पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं रीडिंग। तो हमें रीडिंग नहीं करनी है, हमको स्टडिंग करनी है, स्टडी करना है, अध्ययन करना है। उसमें क्या लगेगा, आपकी एनर्जी लगेगी, शक्ति लगेगी आपकी, है ना, क्योंकि मन को लगाना पड़ेगा, तो उसमें क्या लगेगा, शक्ति लगेगी। लेकिन रीडिंग करने में कोई शक्ति लगती नहीं, आराम से पढ़ लिया हमने, पता ही नहीं पड़ता क्या पढ़ा है, तो उसका हमें कोई लाभ नहीं होगा। तो इसीलिए क्या करना है, स्टडी करनी है हमको, अध्ययन करना है, अपना मन पूरा लगाना है ना। एक बार जाओ आगे, फिर जाओ, अच्छा क्या था, अच्छा ये था, दोबारा पढ़ो, रीडिंग में यही तो हेल्प है हमारी। हमारे पास पुस्तक है, कितनी बार रिपीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कम से कम एक श्लोक को 10 बार पढ़ना है तात्पर्य के सहित, तब दूसरे श्लोक पे जाना है हमको, क्या कनेक्शन है ढूंढो, क्वेश्चन मार्क लगाओ, ऐसा क्यों कह रहे हैं भगवान, अर्जुन ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, अपने मन को सोचने में लगाओ थोड़ा, तब कुछ समझ में आएगा। हम कुछ प्रयास करना नहीं चाहते, तुरंत कुछ भी डाउट आता है, हाँ प्रभु जी ये कैसे बताओ प्रभु जी, है ना, तो याद नहीं रहेगा। फिर जब तक हम उसमें समय नहीं देंगे, अपना दिमाग नहीं लगाया उस आंसर को ढूंढने में, तब तक वो आंसर हमें कभी याद नहीं रहेगा। अगर उस आंसर को ढूंढने में आपने 5 मिनट भी लगाए हैं, भले ही आपको उसका आंसर मिला नहीं मिला, दूसरे से लिया, लेकिन वो आंसर आपको हमेशा याद रहेगा, क्योंकि आपने उसमें समय दिया है, शक्ति दी है, मन को लगाया है, ढूंढा है, एक पेज पर ढूंढा, दो पेज पर ढूंढा, तीन पेज पर ढूंढा। तो उस हमें समय देना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई यहां पर प्रतियोगिता नहीं हो रही,
कि कितने दिनों में किसने भगवद्गीता कंप्लीट कर ली, कितने शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, कोई पुरस्कार नहीं मिलने वाला हमको, है ना। अच्छे से अध्ययन करना है, भले ही हम पूरे जीवन में भगवद्गीता ना कर पाए कोई दिक्कत नहीं है, जितना कर पाए अच्छा करें, लेकिन उसको तो कोई कॉम्पिटिशन नहीं है यहाँ पे पढ़ाई करने का कि मैंने इतनी बुक्स पढ़ ली प्रभुपाद जी की, मैंने इतनी बुक्स पढ़ ली, मैंने इतनी बुक्स पढ़ ली, लेकिन याद कुछ नहीं है। तो याद रहना चाहिए, जैसे प्रभुपाद जी की स्मॉल बुक्स हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि ऑन द वे टू कृष्णा, कृष्ण की ओर में क्या लिखा है प्रभुपाद जी ने, पढ़ी थी 2-4 साल पहले बचपन में जब आए थे भक्ति में, क्या लिखा था वो तो सब भूल गए, कुछ नहीं पता, याद नहीं। तो हमने पढ़ा नहीं है फिर उस पुस्तक को, जब कुछ याद नहीं है तो पढ़ा है हमने नहीं पढ़ा, है ना। खाली ऐसा थोड़ी है हमारे चार्ट में, अच्छा ये पुस्तक कंप्लीट, ये पुस्तक कंप्लीट, चार्ट पूरा है, याद कुछ है नहीं। सो ऐसे नहीं करना है हमको, है ना। भगवान को पता है कि हमने कितना पढ़ा है, तो रीडिंग नहीं करनी है हमको, अध्ययन करना है, उसको समझना है। भले ही हम कम करें, कम पढ़ें, लेकिन समझें, क्वेश्चन मार्क लगाएं हर चीज के आगे। एक सेंटेंस पढ़ा उसके आगे क्वेश्चन मार्क, क्या कि ऐसा ही क्यों कह रहे हैं भगवान, प्रभुपाद जी ऐसा क्यों लिख रहे हैं यहाँ पर, ये क्यों नहीं लिख रहे, ये क्यों लिख रहे हैं। तो जब तक क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तब तक हमारा मन नहीं चलेगा। तो हर चीज के सामने बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगाना है कि ऐसा ही क्यों, धृतराष्ट्र माम कहा क्यों कह रहे हैं, मेरे पुत्र ऐसा क्यों कह रहे हैं, दोनों को पुत्र क्यों नहीं बोला भगवान, ऐसा सॉल्यूशन क्यों दे रहे हैं, दूसरा सॉल्यूशन क्यों नहीं दे रहे। तब हम ऐसे अध्ययन करेंगे, मन थोड़ा लगेगा, उसको सोचने मजबूर करेंगे, तो उसमें से कुछ हमारे पल्ले पड़ने की संभावना है। नहीं तो क्या है, निर्विशेषवादी, शून्यवादी, शून्य में चले जाएंगे पढ़ने के बाद, हम नींद आ जाएगी, कुछ याद नहीं हमको। तो इसीलिए उसको इंटरेस्टिंग बनाना है ना, अध्ययन करना है। तो ये कुछ प्रैक्टिकल टीचिंग्स वेज हैं इस श्लोक से हम सीख सकते हैं। तो हमने डिस्कस किया इस कोर्स के माध्यम से, कृष्ण प्रेम की सीढ़ी के माध्यम से, कि किस प्रकार चतुश्लोकी भगवद्गीता है, और सक्सेसफुली अगर इसको हम चारों श्लोकों में जीवन उतारेंगे तो हम कृष्ण की कृपा को आकर्षित कर सकते हैं। तो इन 4 वर्षों में हमने भगवान की जो परम सत्ता है, जो परम कारणों के कारण है, उसके बारे में जाना। और भगवान ये भी कहते हैं कि भगवान हमारे लिए केयर भी करते हैं, है ना। जितने जैसे मैंने बताया कि पहले 2 श्लोक हमने जाना कि हम भगवान के लिए क्या कर रहे हैं, और जब हम भगवान के लिए इतना करते हैं, भक्ति करते हैं, तो फिर भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान हमको बुद्धि भी दे रहे हैं और सारे अंधकार को मिटा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, तो जिससे कि हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, जो हमारा प्रयोजन है, जो हमारा उद्देश्य है। तो जब इन 4 श्लोकों पर हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो भगवान कहते हैं डोंट वरी, है ना, क्या करना है, आप इन 4 श्लोकों को फॉलो करो और मैं सब कुछ आपको दूंगा, आप मुझ तक आ पाओगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप है, है ना। पहले 8वां श्लोक, फिर 9वां श्लोक, फिर 10वां श्लोक, फिर 11वां श्लोक। तो स्टेप बाय स्टेप जो हमने डिस्कस किया, उन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारेंगे, तो निश्चित रूप से हम इसी जीवन में कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था कृष्ण प्रेम की सीढ़ी, स्टेयर। तो पहले 8वां श्लोक फॉलो करना, फिर 9वां श्लोक फॉलो करना, फिर 10वां श्लोक फॉलो करना, फिर 11वां श्लोक को फॉलो करेंगे, तो अल्टीमेटली कृष्ण की कृपा मिलेगी हमें, कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा इसी जीवन में। हरे कृष्णा।